बीजेपी ने फूंका चुनावी बिगुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चुनावी बिगुल पूरे तरीके से फूंक दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को दो बड़ी सौगातें दी है। पीएम मोदी ने जाट समुदाय से आने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी और वहीं उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोट का शिलान्यास भी किया। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पीएम मोदी के इस दौरे को चुनावी बिगुल से जोड़ा जा रहा है। ये दोनों प्रोजेक्ट 2022 में बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के सामने किसान आंदोलन के चलते नाराज हो रहे जाट समुदाय के लोगों को साथ में रखने की चुनौती है, तो वहीं 5 साल के कामकाज को दिखाना भी जरूरी है। और इसी कड़ी में आज मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बिगुल फूंका और कई बड़ी बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन सबसे अहम है। स्वर्गीय कल्याण सिंह अगर आज होते तो उन्हें अलीगढ़ के इन दो प्रोजेक्ट को लेकर काफी खुशी होती। 20वीं सदी में आजादी के कई नायकों को भुला दिया गया है और 21वीं सदी पुरानी गलतियों को सुधार रही है। राजा सुहेलदेव, सर छोटू राम, राजा महेंद्र प्रताप सिंह का परिचय नई पीढ़ी से करवाया जा रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, श्यामजी वर्मा, लाला हरदयाल ने यूरोप में जाकर अहम योजनाएं बनाई और उसी के बाद भारत को पहली निर्वासित सरकार बन पाई है, जिसकी अगुवाई राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने की थी। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अलीगढ़ को पहले तालों के लिए याद किया जाता था, जो घरों को सुरक्षित रखते थे, और अब अलीगढ़ में हथियार बनाए जाएंगे जो देश की सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे। उत्तर प्रदेश निवेश की पहली पसंद बना और योगी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र से आगे बढ़ रही है। साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में विकास के कार्यों में रोड़ा अटकाया जाता था, केंद्र की ओर से चिट्ठी लिखनी पड़ती थी। पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी। योगी सरकार में ये सब बंद हो गया है। पहले उत्तर प्रदेश में गुंडों और माफियाओं के दम पर शासन प्रशासन चलता था। योगी राज में माफिया सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं और उत्तर प्रदेश के लोग अपने घरों में ही सुरक्षित रह रहे हैं। पहले ये लोग घरों में डरकर रहते थे, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं होती थी और योगी राज में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी को अब पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केंद्र सरकार ने छोटे किसानों के लिए काम किया है। पेंशन, MSP, बीमा समेत अन्य चीजों की मदद से किसानों को फायदा हो रहा है। चौधरी चरण सिंह के रास्ते पर हमारी सरकार चल रही है। किसानों को मदद पहुंचाकर आय दोगुनी करने की कोशिश भी की जा रही है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच के माध्यम से कही और सीधे तौर पर जाट समुदाय को साधने का प्रयास किया, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और किसान आंदोलन के बीच जाट समुदाय जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल रहा है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। मानवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। और इसी के साथ सपा से हमारे साथ नागेंद्र सिंह मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी प्रताप सिंह जी, जिस तरीके से आज चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है, सीधे तौर पर ये जोड़ा जा रहा है 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनसे और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उनसे। जी गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई केवल चुनाव की राजनीति नहीं करती। चुनाव समाज सुधार के लिए एक माध्यम हो सकते हैं। लोकतंत्र में सरकार बनाना, सरकार के माध्यम से समाज सुधार करना एक माध्यम हो सकता है, लेकिन साध्य नहीं हो सकता। इसलिए चुनाव हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को सम्मान दिया जाना, और जिस प्रकार से आज लोग कह रहे हैं कि चुनाव के कारण से 14 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह घोषणा की थी कि यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का एक नाम से विश्वविद्यालय बनेगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जिन्होंने 1914 में भारत से निर्वासित होकर और इंग्लैंड अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था। 1 दिसंबर 1915 को उन्होंने स्वतंत्र भारत कराने के लिए एक अनंत सिंह सरकार भी बनाई थी काबुल के अंदर। उसमें मौलवी बरकतुल्ला खान, उनको प्रधानमंत्री बनाया था अपना।
मोहम्मद मौलवी उबैदुल्ला उनको गृह मंत्री बनाया था। इस प्रकार सबको साथ में लेकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने जो जाट शिरोमणि थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल भूंजा। 96 देशों की यात्रा करके उन्होंने लोगों से संपर्क किया। ऐसे जाट शिरोमणि को पिछली सरकारों ने भुला दिया था और पिछली सरकार तो कभी किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को याद ही नहीं रखना चाहती थी। कांग्रेस ने देश की जो दुर्गति की उसमें उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई एक कांग्रेस का नेता जिसको याद पड़ता हो कि वह फांसी पर चढ़ा हो तो मुझे याद नहीं आता। मेरे ध्यान में इतिहास के पन्नों में कोई एक नेता नहीं है जिसने कांग्रेस के नेता होने के नाते से स्वतंत्रता आंदोलन में फांसी खाई हो। फांसी खाने वाले अलग लोग थे, जिनको फांसी दी गई बलिदान दिया वो अलग लोग थे। यह तो आज ही की तरह उस समय भी लगातार ये आंख मिचोली अंग्रेजों के साथ किया करते थे, उन्हीं के कहे हुए शब्दों को बोला करते थे। कुछ नेता जो इनकी बातों में आ जाते थे उन्होंने इनका बाद में साथ छोड़ा, चाहे सरदार भगत सिंह हो या लाला लाजपत राय हो। ऐसे बहुत सारे नेता थे जो इनके जो ऊपर के नेता थे, मैं तथाकथित उन नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता, उनके कारण से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ी। सुभाष चंद्र बोस 1938 में वह राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, लेकिन कुछ लोग वो उनके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि मैं इस कांग्रेस की मुझे आवश्यकता नहीं है, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़कर देश के आंदोलन को चलाया और आजाद हिंद फौज के माध्यम से देश को आजाद कराने का। कांग्रेस के प्रवक्ता अभी मौजूद नहीं है, अगर वो होते तो उनसे जरूर पूछते, लेकिन अभी हमारे साथ नागेंद्र सिंह जी सपा से मौजूद हैं। लेकिन आपने जो आरोप लगाए हैं वो तमाम विपक्षी पार्टियों पर है। आपके पास आना चाहूंगी नागेंद्र सिंह जी, वो कह रहे हैं कि जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को भुलाने का काम किया है। जहां तक स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की बात है, इस देश का प्रत्येक नागरिक उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है और स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा बड़ा योगदान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया है। लेकिन उसको किन शब्दों में किस तरह से प्रभावित किया जाना चाहिए ये भी किसी भी वक्ता को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन देश की आजादी में जो आजादी वाली कांग्रेस थी उसका बड़ा योगदान। और जहाँ तक इस विचारधारा के लोगों का प्रश्न है, 1925 से लेकर 22 तक जहाँ से ये पोषित जो विचार लेकर ये लोग चलते हैं दक्षपंथी लोग, संघ परिवार का उदय जो है वो 1925 में हुआ। उसके बाद भी 22 साल तक देश के लोगों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उसमें ये लोग कहीं दिखाई नहीं देते। अब प्रश्न आज है जो इस बहस जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी एक बड़े स्वतंत्रता संग्रामी नेता थे, साथ ही साथ प्रबुद्ध लेखक रहे और पत्रकारिता के रूप में भी उनका देश की आजादी के बाद भी बड़ा योगदान है। और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ही नहीं अनेकों शिक्षा संस्थाओं में अपनी धन संपदा को दान किया है और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम से उन्होंने समाज में अपने जीवन काल में जो उनका आचरण रहा है वह हमें प्रेरित करता है और उसके प्रति हम सब लोग श्रद्धा का भाव रखते हैं। खास तौर से जो जिस तरह से बार बार हम सोशल मीडिया पर या दूसरे अभी डिबेट में भी बातें चल रही थी, आपने भी प्रस्तुतिकरण किया और मेरे मित्र मानवेंद्र प्रताप सिंह जी ने प्रस्तुतिकरण किया, देश के स्वतंत्रता संग्रामियों को हम जाति या धर्म के आधार पर ना तोले, वो देशभक्त थे, उनके प्रति श्रद्धा का भाव देशभक्ति के साथ रखें। और सदैव जहां तक राजा महेंद्र प्रताप जी को हिंदू मुस्लिम के पचड़े में खींचने का प्रयास किया जा रहा है, अगर उनके संस्मरणों से हम सीख लें और उनके संस्मरणों पर गौर करें तो एक बार उन्होंने कहा था कि मेरा नाम पीर पीटर प्रेम प्रताप सिंह है, यानी कि वो सर्व धर्म संभाव में विश्वास रखने वाली बड़ी शख्सियत थी। हम उनको बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके नाम से राजनीति कर रही है उस पर हम खेद भी व्यक्त करते हैं। जहां तक बड़े कद के व्यक्ति होने के साथ साथ जिस विचारधारा के लोग उनको याद और अमर करने की बात कह रहे हैं
उस विचारधारा से उनका कभी भी कोई मेल मिलाप नहीं रहा। यहाँ तक कि 1957 के चुनाव में उस विचारधारा के व्यक्ति को बहुत बड़े अंतर से उन्होंने हराया था। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ जो शिक्षा के क्षेत्र में उनका काम है, शिक्षा के जरिए उन्होंने प्रेम भाव, प्यार, मोहब्बत, सर्वधर्म संभाव के विचार को मजबूत किया, हमें उनके विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है, आप दोनों का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है, अब आप एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, डिबेट ओपन रहेगी। मैं आपके पास एक बार फिर से मानवेंद्र जी आना चाहूंगी। आपने कहा कि ये जो आधारशिला आज रखी गई यूनिवर्सिटी की, ये बहुत पहले कही गई थी। जब इतने समय पहले कही गई थी ये बात कि वहां पर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी उनके नाम पर, तो आखिर अभी चुनावों के समय में ही क्यों याद आई आपको? मुस्कान जी, आप इतना तो समझिए कि किसी यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई 14 सितंबर 2019 को, उसके बाद उसकी यूनिवर्सिटी के लिए जमीन की व्यवस्था की जाती है, यूनिवर्सिटी के लिए फंड की व्यवस्था की जाती है, उसका स्टेट्यूट बना जाता है, उसकी और सारी व्यवस्थाएं होती हैं, कौन कौन से उसमें कोर्सेज चलेंगे, इन सब की व्यवस्था होती है। ऐसा थोड़े होता है कि आज यूनिवर्सिटी की आपने घोषणा की और यूनिवर्सिटी जो एकदम चालू हो गई, इस तरह से थोड़े होता है। ये तो सारी व्यवस्था होती है जो 2019 में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन एक साल से ज्यादा का समय हो गया है और बीजेपी तो लगातार ये बात कहती है कि अगर हम कोई घोषणा करते हैं तो उसकी तैयारी पहले ही कर लेते हैं। मुस्कान जी, आप देख रहे हैं पिछले 18 महीने से कोरोना काल चल रहा है, 14 सितंबर 2019 को जब घोषणा हुई थी, उस घोषणा के तत्काल बाद ये अधिसूचित कर दिया गया, दिसंबर 2019 में इसको अधिसूचित कर दिया गया, और अधिसूचित करने के पश्चात इस पर जमीन को तलाशने का काम, जमीन तलाशने के साथ ही इसको वहां पर कितनी एक्वायर करनी है, सारी जमीन के एक्वायर करके फिर उसमें कौन कौन से कोर्सेज चलेंगे, ये सारी बात करके जब तैयारी हुई तो कोरोना काल आ गया। आज उस सब के बाद 100 करोड़ से ज्यादा का फंड वहां पर रिलीज हो चुका है उनके लिए, और उस फंड के आधार पर वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है, आज तलंगाना का काम हुआ है वहां पर। सेंट्रल विस्टा का काम तो नहीं रुका था कोरोना काल में? सेंट्रल विस्टा का काम तो नहीं रुका था कोरोना काल में? किसका काम नहीं रुका? सेंट्रल विस्टा याद होगा आपको, नए संसद भवन की जो नींव, नए संसद भवन जो बनने जा रहा है, उसका काम तो नहीं रुका था? वो काम चल रहा था, वो चलता हुआ काम था, इसकी अधिसूचना जारी हुई, लैंड एक्वायर करना था, ये सारा एक प्रोसेस होता है, सब लोग जानते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, शिक्षाविद हैं, वह इस विषय को जानते हैं कि इस सब में समय लगता है। ठीक है नागेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। नागेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। मानवेंद्र प्रताप जी कह रहे हैं कि अभी कोरोना काल था, इस वजह से इसको ज्यादा समय लग गया है, इसलिए चुनावी मोड में इसको लेकर यहाँ पर इसकी घोषणा की गई है। और इसी के साथ सेंट्रल विस्टा का काम तो आपको भी पता चल रहा था। अब जिस तरीके से लगातार बीजेपी ने चुनावी बिगुल तो फूंक दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो अगर रैली थी तो ये चुनावी पूरे तरीके से थी 2022 के चुनावों के लिए। लेकिन अब इसमें सपा की क्या कुछ तैयारियां हैं? जहां तक हमारे मित्र मानवेंद्र जी कह रहे थे, तो इन्होंने अपने व्यक्तित्व में स्वीकार कर लिया है कि कार्य जो है, विकास कार्य जो धीमी गति से हो रहे हैं, और जहां तक ये सभी ही जानते हैं कि राजनीतिक उद्देश्य की दृष्टि से ये किया गया है, वरना अगर इनकी प्रतिबद्धता इस काम को करने की होती तो जब ऊपर भी सरकार इनकी, नीचे भी सरकार इनकी, तो मैं समझता हूँ, हम मुझे जब खुशी अधिक होती अगर आज ये उसका उद्घाटन कर रहे होते। जहां तक चुनाव का प्रश्न है, चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से, जिस तरह से हमारा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता वो सड़क से सदन तक संघर्ष कर रहे हैं, उसके बलबूते, अपने संगठन के बलबूते और एक विजनरी लीडर के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम चुनाव की पूरी तरह से तैयारी किए हुए हैं और चुनाव के लिए पूरी तरह से हम तैयार। प्रधानमंत्री ने मंच के माध्यम से कुछ बातें कही थी जिसमें उन्होंने योगी जी की बहुत तारीफ की थी, सीएम योगी आदित्यनाथ की, और साफ तौर पर कहा था कि पहले जिस तरीके से यहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, उसके बाद अब जो समय है उसमें बीजेपी ने इतना बेहतर काम किया कि अब तमाम चीजें सुरक्षित हो गई और महिलाएं भी सुरक्षित हो गई है। मैं आपसे नागेंद्र जी इस पर जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक दिया है और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। नागेंद्र जी, आपके पास वापस आना चाहूंगे। जिस तरीके से मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय बातें उन्होंने कही है कि कानून व्यवस्था अगर सही हुई, दुरुस्त हुई, तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के राज में। महिलाओं को लेकर जो घोषणाएं, जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से इनके नेताओं के द्वारा, मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की जाती हैं, उसकी एक ही मैं वानगी दूंगा आपको। आज एक वर्ष पूर्व आज से तो हाथरस में एक वाल्मीकि लड़की के साथ जितना निंदा की जाए उस कृत्य की, वो कम है। वो घटना हुई थी तो वो अपने आप में बयां करती है। दूसरा, अगर एनसीआरबी के आंकड़ों की हम बात करें तो क्राइम रेट आप लोग उससे तुलना करके देख सकते हैं, 16 से 18, 18 से 19, 19 से 21 क्राइम बढ़ रहा है। जहां तक जब योगी जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो अभी दो ढाई महीने पहले योगी जी को रिप्लेस करने का कार्यक्रम था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये मान रहा था कि योगी जी के नेतृत्व में 22 की नैया पार नहीं लगेगी। मानवेंद्र जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों में। महिलाओं के मामले में क्राइम में कमी आई है, जो आपराधिक घटना होती थी उसमें 41% की कमी आई है 2014 से 2017 का जो आंकड़ा है और 17 से आज तक के आंकड़े में। आप कहां की बात कर रहे हैं? हाथरस की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें अपराधी तुरंत दूसरे ही दिन जेल में पहुंच गए, आज तक वो जेल में है। पहले अपराधियां खुले घूमते थे और वह जो पीड़ित को धमकी दिया करते थे, आज अपराधी कोई भी हो, आज माँ बहन बेटी हमारी रात को 12 बजे भी अगर बस स्टैंड, पहले बेटी का दाह संस्कार जो है वो विधि विधान से होता था और अब बेटी का दाह संस्कार पेट्रोल छिड़क कर रात को 12 बजे अंधेरे में कर दिया जाता है। नागेंद्र जी, कोई ऊपर उंगली नहीं उठा सकता और अगर किसी ने उंगली उठाई तो 24 घंटे से ज्यादा वह बाहर नहीं रह सकता। ये आपकी सरकार नहीं है जो सपा की, जो कोरोना वैक्सीन जब आई थी, कोरोना वैक्सीन के समय अखिलेश यादव कह रहे थे कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, लेकिन इनके अब्बा जान ने वैक्सीन लगवा ली। अब्बा जान तो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार है लेकिन ये लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इनके एक वैक्सीन का उन्होंने सवाल उठाया और वो एक बार फिर से कह रहे हैं कि अब्बा जान वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं लेकिन ये नहीं लगाएंगे। और ऐसा ही एक बयान अब्बा जान का जो नाम है इसी नाम पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तंज कसा था। मुस्कान जी, अब्बा जान क्या खराब शब्द है जो इनको इतना बुरा लगता है? मुसलमानों का वोट तो इनको चाहिए तो इनको, लेकिन मुसलमानों का जो उर्दू भाषा है, ठीक है, मेरा सवाल नागेंद्र जी आपसे ही है, आप बात रखें। उसको मैं लौटूंगी प्रताप जी आपके पास। इनके एक नेता हमारे मित्र विधान परिषद में सदस्य है हमारे साथ, वह वहाँ कह रहे थे कि जो कोरोना वैक्सीन लगवाएगा उसमें नपुंसकता आ जाएगी, इस प्रकार के बयान देकर इन्होंने देश को गुमराह करने का काम किया। ठीक है मानवेंद्र जी, नागेंद्र जी से जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है, मैं ये वैक्सीन तो भाजपा की वैक्सीन है, अरे भाजपा की वैक्सीन नहीं है, जो देश के वैज्ञानिकों का अपमान करने का काम, केंद्र और राज्यों की सरकारों का, भारतीय जनता पार्टी का जो फेलियर है उस मुद्दे से भटकने का, ये केवल कहने से नहीं होता, हमारे जनता जानती है। अध्यक्ष जी, जनता जानती है 2022 में आपको चेहरा दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हम लोगों ने 2022 में चेहरा दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप लोगों उनकी बात भी पूरी हो जाए, नागेंद्र जी से उनकी भी प्रतिक्रिया ले। अभी ये झूठ बोल रहे हैं, बात क्या पूरी करना, आप झूठ को प्रसारित करना चाह रहे हो, तुलना कर रहे थे। झूठ को यहाँ पर कोई प्रसारित नहीं कर रहा है मानवेंद्र जी, अगर झूठ को प्रसारित कर रहे होते तो आपको यहाँ पर ना बिठाया होता, सिर्फ सपा को यहाँ पर बिठाकर डिबेट होती। अगर झूठ को ही प्रसारित करना होता तो सिर्फ सपा को यहाँ पर बिठाकर डिबेट होती, आपसे मतलब भी नहीं रखते आप जो बार बार यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं उसके क्या कहेंगे आप? आपने खुद ये बात कही कि आज महिलाओं की तरफ कोई उंगली उठाकर नहीं देख सकता, पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब बीजेपी के राज में हो रहा है, बीजेपी के राज में रात को 12 बजे के रात को अंधेरे में बेटी को जला दिया जाता है, वो भी पेट्रोल छिड़क कर, ये चीजें किसके उसमें हुई? इन चीजों पर ध्यान कौन रखेगा? कानून व्यवस्था की आप बात करते हैं, बहुत दुरुस्त कर दिया आपने। एक घटनाक्रम नहीं बता सकते जिसमें कोई अपराध किया है और अपराधी बाहर है। मैं आपको दो बार ये घटनाक्रम बता चुकी हूँ मानवेंद्र जी, इसमें तो प्रशासन का ही हाथ था ना, मैं आपको दो बार ये घटनाक्रम बता चुकी हूँ। ठीक है, इस मुद्दे पर ज्यादा बहस ना करें तो ज्यादा अच्छा है, नागेंद्र जी की बात सुन लेते हैं।
घंटे में सलाखों के पीछे जाएगा और गया है। है इस बिंदु को लेकर जो भाई साहब कह रहे हैं मानवेंद्र सिंह जी कि जिसने अपराध किया है तुरंत कार्रवाई हुई है, अगर एक छोटी सी वानगी पंचायत चुनाव की घटनाओं को लेकर देखें तो महाभारत में जो चिरहरण जैसी घटना हुई है वो सड़कों पे हुआ है। मित्र नागेंद्र जी 2015-16 में जब चुनाव हुए थे कितने प्रधानों की गर्दन ने देखा है, कितने कितने मेरी बात सुनिए, वो लोग जो चुनाव लड़ना चाहते थे वो चुनाव लड़ने वाले लोगों की लात नदी में तैर रही थी और उस पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने लिखा था कि प्रधान जी बक्सा लेने वहाँ लखनऊ जा रहे हैं, कटी हुई गर्दन और कटी हुई गर्दन की जरूरत थी। कितने कितने लोग लोगों को आपने आपने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को पर्चा नहीं भरने दिया गया था, लोगों को एक घटना केवल आप पेड़ नहीं मिला। आप मुस्कान जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा आंकड़े उठाकर देख लीजिए 2015-16 में जब पंचायत चुनाव हुए थे कितनी आपराधिक घटना रिकॉर्ड हुई थी और आज केवल 3 घटनाओं का रिकॉर्ड बता रहे हैं। पूरे 850 से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख चुने गए, 35,000 से ज्यादा सदस्य चुने गए, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, उसमें मात्र 3 घटना का जिक्र कर रहे हैं। बोलेंगे तो देखिए जनता का भी समय व्यर्थ नहीं होगा और आपके दोनों की बात भी ज्यादा समझ में आएगी। मैं लौटूंगी मानवेंद्र जी आपके पास, नागेंद्र सिंह को भी समय चाहिए, उनकी भी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप बहुत देर से उनकी बातों में बोल रहे हैं, उनका कमेंट तो हो जाने दीजिए सर। नहीं फिर इनसे कमेंट ले लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ उस पर कमेंट ले लीजिए। 75 जिला पंचायत सदस्य व अध्यक्ष के चुनाव हुए, 850 ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, 32,000 से ज्यादा सदस्य चुने गए ब्लॉक प्रमुख में बीडीसी के। ये मुझे बता दें कि पिछले 2016 में जब चुनाव हुए थे उसका आप आपराधिक आंकड़ा निकाल लीजिए, अभी आपके नेट पर आ जाएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल 3 घटनाएं इस बार हुई हैं, उन 3 घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, वहां की सैकड़ों घटनाओं को भूल गए। वहां प्रधान जो चुनाव लड़ना चाहता था उसकी लाख में तैरती आती थी और उस पर समाजवादी पार्टी का लिखा रहता, तो कहते थे कि प्रधान जी बस्ता लेने के लिए ये लखनऊ जा रहे हैं। इस प्रकार का शासन इस उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, या किस अपराध की बात करते हैं, किस प्रकार की बातचीत ये वहां पर बताना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बिना आंकड़ों के बोल रहे हैं, आंकड़ों के साथ बोलेंगे तो ये खुद चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, आंकड़े अगर दिखा दिए तो चेहरा दिखाने लायक आप नहीं रहेंगे, ये कह रहे हैं मानवेंद्र जी। नागेंद्र जी मैं अगर आंकड़ों की बात कहूँ, मानिंद प्रताप सिंह जी गौर करेंगे, जो एनसीआरबी का डाटा ये कहता है, उसका तो जवाब दे दीजिए सर जी। महिला अपराध की बात का जवाब दूं मुझे, आप 2016 के चुनाव की पंचायत चुनाव की बात कर रहे थे उसको बताइए ना। मैं पंचायत चुनाव की ये बात कर रहा हूँ, और पहले तो एनसीआर रिकॉर्ड ही नहीं होती थी, आज तो ऑनलाइन जो आप कोई भी ऑनलाइन भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, पहले तो थाने में आने जाने की हिम्मत ही नहीं लोगों की। मुझे अपना सबमिशन देना है तो मेरा निवेदन है मानवेंद्र जी से, मानवेंद्र प्रताप जी से, बड़े भाई से, कि वो मुझे अपनी बात कहने दे कृपया करके। आप सत्य बोलिए, सत्य बोलिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ठीक है ठीक है, मानवेंद्र जी बात तो रख देते हैं। धन्यवाद। पंचायत चुनाव में जो हालात रहे हैं, जो अभी आपने आंकड़ा पेश किया है कि इतने जिला पंचायत चुनाव, इतने ग्राम पंचायत चुनाव और जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव, अगर जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्य करते हैं तो जिला पंचायत के कितने सदस्य जीते हैं आपके, आप वो आंकड़ा देखिए। और ऐसा क्या 2-3 महीने में ऐसा कौन सा बदलाव आ गया कि आपके पंचायत के सदस्य तो जीते नहीं है लेकिन अध्यक्ष आपके सारे जीत गए? तो निश्चित रूप से आपने धन बल का और पुलिस का प्रशासन का प्रयोग किया है और वह सड़क पे देखा गया है, और विशेष तौर से महिलाओं के साथ। मैं यही मुस्कान जी कहना चाह रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में केवल 3 घटनाएं हुई हैं, उन 3 घटनाओं का ये जिक्र कर रहे हैं, चौथी घटना का ही मुझे बता दें कि कहां पर हुआ है, और वो जिन लोगों ने भी घटना की, तथाकथित लोगों ने, वह तत्काल आज भी जेल में हैं। इनके एक ब्लॉक प्रमुख जो जीते हैं सिकंदराबाद में, सही नहीं था ना सर प्रशासन का रवैया, सही नहीं था। नहीं प्रशासन का हर जगह रवैया सही था। मुस्कान जी मुझे ये समझा दीजिए कि कहां पर प्रशासन के खिलाफ रिपोर्ट आई है, एक आप देखिए जहां पर प्रशासन आप हाथरस कांड की अगर बात कर लें तो वहां पर बेटे को रात के अंधेरे में जला दिया जाता है, वो भी पेट्रोल छिड़क कर, किसी विधि विधान के साथ वहां पर उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता। आपको भी पता होगा सनातन धर्म में रात के समय में दाह संस्कार नहीं होता, उसके उस बेटे के माँ बाप को किस तरीके से घर में बंद रखा गया ये भी आपको याद होगा, मीडिया तक को वहां पर नहीं जाने दिया गया था ये भी आपको याद होगा।
अब आप सुनना नहीं चाहती तो क्या करें? सुनाइए, सुनना तो आपको भी पड़ेगा ना, अगर गलत बोलेंगे तो सुनना तो आपको भी पड़ेगा। हाथरस की आप घटना बता रही हैं जिसमें उसके माँ बाप ने उसको लिख कर दिया था, वह सारा वीडियो है आपके मीडिया पर, वीडियो है तो उन्होंने लिख कर दिया है, वो वहां पर अग्नि में कंडे भी डाल रहे हैं, वो अग्नि में वो उसको प्रज्वलित भी कर रहे हैं, सब काम करने का काम कर रहे हैं। ये झूठ का प्रसारण नहीं करना चाहिए। ये आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो तो मैं उसकी बेटी की वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी आपको भेज दूंगा। एक तो ये बार बार आप बार बार जो एजेंडा लेकर बैठते हैं ना एक चैनल को बदनाम करने का, वो ना लेकर बैठे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर बात मुद्दों पर कर ले मानवेंद्र जी, बात मुद्दों पर कर ले तो ज्यादा बेहतर होगी। बात अगर आप मुद्दों पर करें तो ज्यादा बेहतर होगी। इस तरीके से नहीं चलेगा कि आप एक चैनल पर यहाँ पर आकर और इस तरीके की बातें करते हैं। लाइव बैठे हैं ना आप, तो यहाँ पर इस तरीके की बातें मत करिए सर। मुद्दों पर बात कर लेते हैं, ठीक है, आपकी बातें तमाम सही है, आपकी बातें सही होंगी, लेकिन उनसे भी जवाब ले लेते हैं। नागेंद्र जी वो कह रहे हैं कि हमने इस तरीके की कोई भी घटनाएं नहीं की है, ना ही प्रशासन के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट आई है। समाजवादी पार्टी ने ही किया, सिकंदर राव में पुलिस प्रशासन के साथ मारपीट किया, उनके पास 25,000 रुपए का इनाम है बंटी यादव, जिन्होंने दो जिलों में से पर्चा भरा, माने दो जगह उनके वोटर से फड़ दिए हैं। मैं पंचायत चुनाव को लेकर हमारे मित्र जो हैं मानवेंद्र प्रताप सिंह जी जो कह रहे हैं, वर्तमान जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लेटेस्ट हुए उत्तर प्रदेश में, तो जब आप इतना अच्छा शासन दे रहे थे, जन कल्याण के कार्य कर रहे थे, योगी जी का चमत्कारी नेतृत्व था, मोदी जी का चमत्कारी संरक्षण था, तो जिला पंचायत के सदस्य आप लोगों के इस प्रदेश की जनता ने क्यों नहीं जिताए? मेरा प्रश्न ये है अपने मित्र वर्ग से। दूसरा, जिन महापुरुष के बारे में आज ये डिबेट रखी है, उनका आपके विचारधारा से दूर दूर का वास्ता नहीं था, क्योंकि आप जिस विचारधारा से आते हैं उनका लगभग स्वतंत्रता संग्राम में नगण्य योगदान है। और महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी वामपंथी रुझानों के व्यक्ति थे, और जो शिक्षा के लिए उनका काम था वो मात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं था, बाकी संस्थानों को, बाकी शिक्षा संस्थानों को भी उन्होंने बड़ी राशियां और जमीनें दी हैं। ठीक है, उनका जो कार्य था, समय की कमी है नागेंद्र जी, मानवेंद्र जी, मात्र 30 सेकंड में आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी। सुना चाहता हूँ कि क्या नागेंद्र जी स्वतंत्रता आंदोलन में रहे थे? क्या अखिलेश यादव स्वतंत्रता आंदोलन में रहे थे? क्या मुलायम सिंह यादव स्वतंत्रता आंदोलन में रहे थे? मेरे पूर्वज भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, शिवाजी थे, जिन्होंने संपूर्ण आंदोलन जीत उसके लिए क्या शहीद हुए, राम प्रसाद बिस्मिल, अब ये सारे लोग हमारे खानदान के थे, हमारे पूर्वज हैं ये सब लोग, हम उन्हीं के अनुयायी हैं, ये क्या बात करते हैं? ये लोगों को सोच के बोलना चाहिए। आप में से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव कौन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था बताइए जरा? मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ। ये विचारधारा कौन सी होती है? आपकी कौन सी विचारधारा? आपकी विचारधारा केवल अतीत अहमद का संरक्षण। जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से चुनावी बिगुल फूंक दिया है उत्तर प्रदेश में, अब देखना होगा कि इस चुनावी बिगुल का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलीगढ़ में आने का कितना जो असर है वो विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।